हेलो दोस्तों, दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी कोई शुभ कार्य होता है या पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले काम होता है दीप प्रज्वलित करना। दीपक हमेशा घी या सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दीपक का प्रयोग किया जाता है। अंधकार दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, घर में खुशियाँ लाने के लिए दीपक जलाया जाता है। दीपक की रोशनी आपको हमेशा शांत करती है, मन को एकाग्रित करती है, मन को शांत करती है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नियमित रूप से दीप जलाना चाहिए। मान्यता है, जहां पर भी दीपक जलाया जाता है उस स्थान पे हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। दीपक के धुएं से वातावरण में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होना माना जाता है। 5 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपक जरूर जलाएं। मोदी जी ने अपील की है कि 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में दिया जलाएं। इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं। जब किसी एक चीज के लिए सब लोग सम्मिलित होते हैं तो उस काम को करने की क्षमता और भी बढ़ जाती है और कार्य भी जरूर पूरा होता है। आप अपने घरों में अकेले हैं और अकेलापन महसूस करते हैं और ये लगता है कि आपके लिए मुश्किल वक्त है, पर जब आप 5 तारीख को 9 बजे दूसरों को भी वही करते देखेंगे तब लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ भी लोग हैं और सब मिलकर एकजुट है ताकि कठिन परेशानियों से बाहर आ सके। यहाँ पर दीपक जलाना दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि सब लोग एक साथ आए और विपत्तियों का, कठिनाइयों का डट कर सामना करें। तो दोस्तों, आप सारे 5 अप्रैल 2020 को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में दिया जलाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।